जो इब आम चुनाव हुए हरियाणा विधानसभा 2024 के, तो उसमें एक करनाल लोकसभा है जिसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। और करनाल की यदि कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो बड़ा एक रुक्का पड़ रहा है याना सेने की जुबान पे, भाई आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो आनंद कौन है? जगमोहन आनंद। और ये जगमोहन आनंद वही है जो मीडिया कोऑर्डिनेटर होते थे खट्टर साहब के, लेकिन इनने एक रिकॉर्ड बनाया है और रिकॉर्ड यू बना दिया। खट्टर साहब ने 2019 में वोट मिली थी 80,000 के लगभग, और ये ले गए 90,000 के लगभग, 10,000 वोट तो ज्यादा ले गए हैं। और यदि मैं सामने की तरफ देखूं, एक चेहरा है अपन नायब सैनी के बराबर में देखोगे मनोहर लाल खट्टर, तो उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद। हर MP को यह बोल दिया गया था, आप भाई बीच में ना मेरे यार, मेरे भाई हर सांसद को बोल दिया गया था, भाई तुमने अपने लोकसभा क्षेत्र में जितनी भी विधानसभा हुआ जितवा के दिखाओ। तो इस टाइम यदि मनोहर लाल खट्टर का नाम बतावा तो 9 की 9 विधानसभा पे करनाल लोकसभा में सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का। और ये जगमोहन आनंद मेरे साथ हैं, ये हमारे मीडिया, तो मीडिया बिरादरी में तो हमारा भाईचारा है, मैं मामा हूं। तो ये एक बार सारे के सारे राम राम मान दो जी। राम राम, 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 राम। दिवाली तो पहले पूरा का पूरा जो कमल करनाल कार्यालय है बीजेपी का वो सजा पड़ा है, दुल्हन की तरह सजा दिया है। तो जी ईशानू बताओ ऐसा क्या था, बोले कब मैंने ये सोचा था तुम इतने बदल जाओगे, आपने नू अनुमान था ये जो 90,000 बूटे जोड़ी में आएगी खट्टर साहब, जब 10,000 ऊपर ले गया आप लगभग, तो इस बात की उम्मीद थी आपको? कौन कौन सी पे सलार थे आपके, किन किन का योगदान था? हालांकि बेरा मन भी मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपने पूछ लूं जी। पहले तो आपका कर्मू जी मैं करनाल की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ले लिया जी। और आपकी जो पत्रकारिता है वो ठेठ हरियाणवी शैली के अंदर है, हरियाणवी संस्कृति को जीवांत रखी हुई है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको भी और आपके चैनल के दर्शकों को भी जी। और दूसरी बड़ी बात है कि मेरी तो औकात नहीं थी बिल्कुल भी, स्पष्ट रूप से कहूँ मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता था, सामान्य कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुँचाने का अगर काम किया है तो ये जो कार्यकर्ताओं की फौज जो करनाल विधानसभा जो कार्यकर्ता है जी। उनके आशीर्वाद से, करनाल की जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि मेरा चुनाव वो लड़ रहे थे जी जी। तो जब जनता चुनाव लड़ रही होती है तो फिर आपकी जीत निश्चित होती है, और कार्यकर्ताओं का सहयोग और कार्यकर्ताओं का जब आशीर्वाद होता है फिर आप बड़ी से बड़ी जीत को प्राप्त करने में सहायक रहते हैं। विधायक जी, इबे तो खैर विधायक जी कहेंगे, हालांकि कैबिनेट में नाम नहीं आया आपका, लेकिन उम्मीद लगाए तो बैठे थे क्योंकि सुपर CM के आप राइट एंड में माने जाते हो, क्योंकि हरियाणा के सुपर CM तो आज भी मनोहर लाल खट्टर हैं, नायब सैनी CM है तो सुपर CM मनोहर लाल खट्टर हैं, और उस कैबिनेट में नाम तो नहीं आया, लेकिन यदि 9 विधानसभा को जिताने का क्रेडिट खट्टर साहब को जाता है तो 5 यदि विधानसभा जितवाने का क्रेडिट है तो मेयर साहब को जाता है, ब्रिजभूषण गुप्ता जी जो प्रतिनिधि हैं, मेयर प्रतिनिधि, और यदि हाँ जी हाँ जिलाध्यक्ष भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, एक भाई एक लठायत होना चाहिए, सारा श्रेय खट्टर साहब को ही जाता है ये हम तो उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे काम कर रहे थे जी, और जी, ये कार्यकर्ताओं को जाता है सब श्रेय जी। नहीं ये तो बीजेपी आड़े की ये खूबी है, ये सारे नुआ हर भाई सारा श्रेय शीर्ष नेतृत्व को जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है, हम तो बिल्कुल एक साधारण से कार्यकर्ता है, साधारण करते करते विधायक बन गया आप बोलो। लोकसभा में तो सिर्फ देखो खट्टर साहब का ही सारा योगदान था और उनका ही मार्गदर्शन था। करनाल में आपके देखो पंडुब्बी चल रहा है चुनाव प्रचार के दौरान, एक यहाँ कोई राजेश अग्गी करके भी है, उनका भी प्यार सहयोग मिला कि नहीं? सबका सहयोग मिला, मैंने कहा ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने नींव के पत्थर के तौर पर काम किया जी जी जी। और जिस प्रकार से जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि मनोहर लाल जी का जो काम करने का तरीका, जो संगठनात्मक क्षमता है, जो कार्यकर्ता तैयार करते हैं, कार्यकर्ता का निर्माण करते हैं, वो सबके सामने है। आज एक कार्यकर्ता को यहाँ वो मान और सम्मान दिया, चाहे वो योगेंद्र राणा जी हों, चाहे वो जगमोहन आनंद हों, आज दोनों हम जिलाध्यक्ष रहे हैं, तीसरे हमारे जिलाध्यक्ष पूर्व मेरे भगवान दास कबीर पंथी, तीन जिलाध्यक्ष इस करनाल जिले से जो है वो विधायक बनकर के आए हैं, तो पांचों की पांचों विधानसभा जिले के अंदर और 9 की 9 लोकसभा के अंदर ये मनोहर जी की संगठनात्मक क्षमता का ही कमाल है।
निश्चय देखिए जब आपका शीर्ष नेतृत्व आपको गाइड कर रहा हो, आपके बारे में बात कर रहा हो, समय समय पर आपको सलाह दे रहा हो, तो जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो ये बड़ी जीत, देखो वोटों का अंतर 80 जा रहा है या 90 जा रहा है, ये अलग बात है, लेकिन जनता का प्रेम और बिना खर्ची बिना पर्ची जो नौकरी है, ये जनता के अंदर अंडरकरंट थी, जनता ने लुटेरों की सरकार आने से बचा ली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। आनंद आ गया, बिल्कुल आ गया। एक बात, नाम में फीलिंग आएगी, बोला आती होगी, बोला शराफत की आती होगी, नाम में शराफत अली, आनंद की आनंद में, तो देखो नाम में आनंद है तो फीलिंग आएगी, सारे लोग आनंद हो गया, करनाल में तो आनंद ही आनंद हो गया। देखो ये तो नाम का आनंद है, काम का आनंद आओगे नहीं? देखिए काम का आनंद, आप अगर 2 घंटे पहले आते तो 5 से 7 आज करण कमल कार्यालय में थे, जिला अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम यहाँ पर जितने विधायक बने हैं, हमने एक प्रोग्राम तय किया है, अभी रूपरेखा उसकी तैयार हो जाएगी, हफ्ते के अंदर 5 दिन लगातार कोई ना कोई जिला अध्यक्ष जरूर रहेगा जो कार्यकर्ताओं से रूबरू होगा। जनता बनाने वाली है तो जनता के प्रति अब हमारा समर्पण का भाव है, जनता के बीच में रहेंगे तो जनता सिर माथे पर बैठाएगी, और जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो घर का रास्ता दिखाएगी। बिल्कुल, अच्छा सुनो, चलो देखो जब राहुल गांधी आए तो जाते जाते आखिर में किसी बात कह गए, जिसने रस्सी का सांप तामना बना दिया उसका, जलेबी। हालांकि नायब सैनी तो नुकसान बेसन तो है, वो हार गए, फिर भी हम जलेबी खुआने तैयार है उन्हें। लेकिन जो मेरे भी फिर सवाल हुआ जलेबी पर, जैसे सीधे करेले जैसे मीठे, लोकसभा के MP हैं कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, लेकिन 2 तारीख को नवीन जिंदल करनाल में होते हैं और जिला अध्यक्ष जी भी साथ में बैठे होते हैं, उस दिन क्या गुप्तगू जी, अध्यक्ष जी बताना एक बार थोड़ा क्या था मामला? नहीं वो तो औपचारिक आए थे करनाल में, और महाराजा अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम था, अच्छा, उसमें आए थे। इमरजेंसी लैंडिंग तो नहीं, हेलीकॉप्टर की? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम था, उसमें आए थे। अच्छा, अभी क्या उम्मीद? देखो मैं थोड़ा सपोर्टर से पूछ लेता हूँ भाई, देखो अभी कैबिनेट में नाम नहीं आया, ये बात नो बताओ, आपके दिल में मन में दिमाग में ये चीज है क्या कैबिनेट में नाम आना चाहिए कि नहीं? ऐसा है जी, करनाल की जनता ने तो भाई साहब को मंत्री बना दिया, MLA बना दिया, आगे हमारे मुख्यमंत्री साहब जैसे भी इनको दिशा निर्देश देंगे आगे काम करेंगे। हम तो चाहते हैं भाई करनाल का विधायक मंत्री बने और यहाँ की जनता के काम करे। देखो मेरे पास गुप्त सूत्र काला ने एक रिपोर्ट दी है, मेरे तय मार पर गुप्त सूत्र काला दौड़ा हुआ है, तो उन्होंने बताया अभी कुछ मैक में CM साहब अपने दौरे धर रहे हैं और खट्टर साहब का इशारा की बाट देख रहे हैं, वे खट्टर साहब इशारा करेंगे और उसी टाइम जगमोहन आनंद मतलब विधायक तो मंत्री वाली कैटेगरी में भी आस के है। तम चाहो भाई आज हम लोग आनंद बढ़ जाएगा और भी है। तो आप एक बार देखो, अभी तक तो हालांकि धन्यवाद तो आपने दे भी दिया होगा आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को, फिर भी हमारे चैनल के माध्यम से आपके मतदाताओं को क्या कहना चाहते हो? आपके चैनल के माध्यम से मैं करनाल की जनता को, सभी मतदाताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो प्यार और आशीर्वाद आपने वोट रूपी अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने भाई को दिया है, जिन कार्यकर्ताओं ने अथक दिन रात मेहनत करी है जी। मैं समर्पित भावना से उनके साथ काम कर सकूं, उनके लिए काम आ सकूं, मुझे परमपिता परमात्मा ऐसी शक्ति दे जी। और आप जैसे भाई जो आप इतने अच्छे पत्रकार हो और आपके साथ जो छायाकार साथी है, जो आपका कैमरामैन है, आप सब लोगों के ऐसे आशीर्वाद से हमारी जो कोई कमियां हो वो आप हमें समय रहते सचेत कर सके, ताकि हम अपनी कार्यशैली में सुधार कर सके, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है कि मैन इज ऑलवेज लर्निंग, मतलब आदमी हर उम्र में सीखता है, तो हमारी सीखने की उम्र है। हम आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से सीखते सीखते सेवा के उस मुकाम तक पहुंचे जहां जनता हमारे को अपनी पलकों पर बैठाए रखे। देखो जी माइक तो मैं धरने वाला था ही, लेकिन जाना जाना एक सवाल और याद आ गया, जलेबी वर्गा सीधा करेला वर्गा मीठा, आप ये बताओ राजनीति में उत्तर कैतर चल रहा है, उत्तर कैतर गिव एंड टेक, और खट्टर साहब वाली बात करें तो सटे सटम समाचार ही, तो मुझे ये बताओ कि उत्तर कैतर मेयर के चुनाव सिर पे हैं करनाल में, और अब आपके यहाँ इस साइड धक धक भी चल रही होगी, तो उत्तर कैतर वाला तो काम करना पड़ेगा। मैं एक बात बताऊँ आपको, बता दिल की बात, एक बात दिल की बात बताऊँ, आज बता रहा हूँ हाँ। मेयर के चुनाव जब भी होंगे आपके साथ इंटरव्यू करने जरूर आना, 20 की 20 हमारे नगर निगम के जो पार्षद हैं इस बार रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, और मेयर भारी बहुमत से, क्योंकि मेयर का दायरा
लोकसभा अपना विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा है, जितने वोटों से यहाँ पर जनता ने जितवाया है ना, उससे ज्यादा वोटों से हमारा मेयर जीत के आएगा यहाँ से। तिकड़म बाजी से कैसे निकलोगे? कोई तिकड़मबाजी है ही नहीं। तिकड़मबाजी वो लोग जो लोग हमारे को छोड़ करके गए थे, उन चुनावों में सेकंड लाइन हमारी तैयार हो चुकी है। जिला अध्यक्ष जी, हमारी होमवर्क सारा तैयार है, हमारे लिए कल घोषणा हो जाए, हमारे लिए सारे हमारे कैंडिडेट भी तैयार है, हमारे मानसिक पटल पर हम सब चीजें करके प्रदेश नेतृत्व की हरी झंडी की हमें जब जैसे ही मिलेगी, माननीय मनोहर राजलाल जी का आशीर्वाद मिलेगा, उनके नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में करनाल नगर निगम 100% पूर्ण बहुमत के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। मतलब कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट हमारा एक ही होता है, कमल का फूल। मन सोचा पत्ते खोल लेंगे विधायक जी, कैंडिडेट हमारा एक ही होता है, नाम बताऊंगे मकालगढ़ी। ये इनका परम अस्त्र है भाई, इनका कैंडिडेट का नाम एक ही है, कमल का फूल, बीजेपी और मत जाना भूल। ये परम अस्त्र है, इसे परम अस्त्र के नाम पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया करनाल से, 9 की 9 विधानसभा पे कांग्रेस का मलिया मेट कर। क्या कहने का मतलब ये है भाई, ये पूरा यदि करनाल लोकसभा इकलौती है जिसकी ऊपर प्रधानमंत्री की सीधी नजर रही है भाई, इकलौती ऐसी विधान लोकसभा है जिसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ होया है, तो इसलिए प्रधानमंत्री का दिल भी इस लोकसभा देख कर बहुत खुश होया है। अब ये बात देखने वाली है भाई, कैसे कैसे ये सरकार चलेगी, या सड़क सड़क के चलने वाली सरकार बनेगी या गोर तो चलने वाली गवर्नमेंट बनेगी, यह बात देखने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चुनौतियां बहुत हैं, वो आने वाले टाइम में देखने में मिलेंगी। इवे तो बोला तेल देखो तेल की धार देखो, क्यों जी? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और एक नारा मेरे कहे चला दे भाई, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। यह सबके साथ लिए भाई गौ माता, इस पर कोई पार्टी का टैग नहीं। ठीक है जी।